हेलो दोस्तों, हीमोग्लोबिन हमारे खून में उपस्थित लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक तरह का प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाकी अंगों से फेफड़ों तक पहुंचाता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन के लिए हीमोग्लोबिन का कितना अहम रोल होता है। स्वस्थ रहने के लिए किसी भी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन स्तर एक लेवल तक होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसे नॉर्मल लेवल कहा जाता है। आपका सवाल है कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए या हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, तो एक सामान्य पुरुष में हीमोग्लोबिन का स्तर 12 ग्राम से 16 ग्राम तक होना चाहिए, जबकि महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले कम हीमोग्लोबिन का स्तर पाया जाता है। इस कारण महिलाओं में इसका स्तर 11 ग्राम से 16 ग्राम के बीच होना चाहिए। यदि किसी में हीमोग्लोबिन स्तर कम होता है तो इसे एनीमिया कहा जाता है, जो कि कई प्रकार का होता है और कई लक्षणों के रूप में दिखाई देता है। इसे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।